इन दिनों पूरा भारत कोरोना के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। इस जंग में जहां आम आदमी तो साथ है ही, लेकिन इस जंग के जो वॉरियर हैं, जो योद्धा हैं, वह हैं डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नर्सिंग कर्मी। ये सब अपनी जान की परवाह किए बिना आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोरोना से जंग एक योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर इन कोरोना वॉरियर्स के लिए हर कोई तारीफ कर रहा है। जहां कभी पहले पुलिस एक डंडा मार देती थी तो लोगों में बवाल मच जाता था, लेकिन अब अगर किसी को लॉकडाउन में घूमते हुए पकड़े जाने पर डंडा मारा जाता है तो लोग पुलिस को बुरा नहीं कहते, बल्कि घूमने वाले को बुरा कहते हैं और पुलिस की इस कार्यवाही का सपोर्ट करते हैं। हर जगह, हर शहर में इन कोरोना वायरस से लड़ने वाले वॉरियर्स की तारीफ हो रही है। उदयपुर में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में द क्रू प्रोडक्शन ने एक शानदार लघु फिल्म बनाई है। इस लघु फिल्म में बताया गया है कि किस तरह दिन रात ये कोरोना वॉरियर्स किस तरह से आम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। चाहे वह पुलिस अधिकारी हो, पुलिस कर्मी हो, डॉक्टर हो, अस्पताल कर्मी हो या सफाई कर्मी, उदयपुर के इन योद्धाओं के सम्मान में ये शानदार लघु फिल्म बनाई गई है। फिल्म का कंसेप्ट आइडिया द क्रू प्रोडक्शन के डायरेक्टर संजय सोनी का है। संजय सोनी बताते हैं कि ये 8 मिनट 39 सेकंड की फिल्म इन योद्धाओं के सम्मान में है। किस तरह दिन रात एक कर ये हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। इस लघु फिल्म को शूट और एडिटिंग अभिमन्यु सोनी और सिद्धार्थ सोनी द्वारा की गई है। हम डिस्क्रिप्शन में इस फिल्म का लिंक दे रहे हैं, आपको ये लघु फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह लघु फिल्म उन जवानों को, उन योद्धाओं को समर्पित है जो पिछले करीब 19 दिन से लगातार बिना थके बिना रुके जनता की सेवा कर रहे हैं। गौरतलब है कि संजय सोनी का यह द क्रू प्रोडक्शन एक तरह से उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान को फिल्म के सुनहरे पर्दे पर लाने में बहुत बड़ा सहयोगी है। संजय सोनी पिछले कई समय से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग करते हैं, यहाँ पर करवा भी चुके हैं। संजय सोनी का द क्रू प्रोडक्शन एक तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर को यहाँ की लोकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। उदयपुर और राजस्थान कितना खूबसूरत है और उन्हीं की यह कोशिश रही है कि पिछले 1-1.5 साल में बड़े बड़े बजट के फिल्म यहाँ पर शूट हुई है, जिसमें हाल ही में अंग्रेजी मीडियम की तो आधी से ज्यादा शूटिंग उदयपुर में हुई। इस लघु फिल्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप भी इसे जरूर देखें। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।